नमस्ते दोस्तों, कुक विद श्रुतिका में आपका स्वागत है। क्या आप बता सकते हो आज हम क्या बनाने वाले हैं? जी हाँ, मैगी का पिज्जा है ना, इंटरेस्टिंग रेसिपी। ऐसी नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज अगर आपको जाननी हो तो जल्दी से कुक विद श्रुतिका को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई रेसिपी अपलोड करूँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए ज्यादा देर ना लेते हुए हम देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें मैगी बनानी पड़ेगी। तो मैंने लिए है 2 पैकेट मैगी। तो पानी हम डाल देंगे, मैगी मसाला डाल देंगे और फिर इसमें डाल देंगे मैगी। अच्छा, पानी हमने लिया है 2.5 कप। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है हमें, इसमें जितना ज़रूरत है बस उतना ही पानी लेना है। इसमें ज़रा भी पानी बचना नहीं चाहिए मैगी पकने के बाद। तो ये हमारी मैगी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए, आप देख सकते हो इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। तो इसको अभी हम एक केक के मोल्ड में निकालने वाले हैं। केक मोल्ड मैंने इसलिए लिया है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और ये मोल्ड ऐसा है जिसका बेस हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये मैगी हम अच्छे से इसके अंदर फैला देंगे पूरी तरह से, पूरे साइड्स में ऐसे फैला देंगे, और इसको हम थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये मैगी का बेस जो है अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस और शेजवान सॉस को मिक्स करके भी इस पे लगा सकते हो, इसका भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। अभी इसके ऊपर हम डालेंगे ये सब्जियाँ। मेरे पास प्याज और टमाटर ही था तो मैंने सिर्फ वही डाला है। आप अगर आपके पास अगर मकई के दाने और शिमला मिर्च है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो ये सब्जियाँ डालने के बाद हम डालेंगे इसमें बहुत सारा चीज़। तो मैंने ये चीज़ थोड़ा सा तोड़ के लिया है, जो चीज़ का ब्लॉक होता है उसको मैंने तोड़ के लिया है, वो मैंने डाल दिया है। और ऊपर से वापस मैं ग्रेट करके भी डाल रही हूँ ये चीज़ को, कसकर एकदम, तो ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए सारी तरफ से। और इसको पूरा हम चीज़ से भर देंगे, एकदम चीज़ी पिज़्ज़ा लगना चाहिए। तो ये देखिए, चीज़ से हमने भर दिया है। अभी हम इसको रखेंगे माइक्रोवेव के अंदर जब तक ये चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, आप इसको इसी तरह से पैन में रख सकते हो और ढक कर रखिए। तो ये हमारा चीज़ मेल्ट हो चुका है अच्छे से। इसके ऊपर हम डालेंगे अभी ये ओरिगैनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अभी हम ये बेस को निकाल लेंगे। देखिए, आसानी से निकल जाता है, तो अच्छे से सेट हो गया है ये। अभी हम इसके पीसेस बनाएंगे। तो मैं इसके टोटल 8 पीस बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा कटर की सहायता से। आप भी इस तरह से आपको जितने चाहिए उतने पीसेस बना सकते हो। तो आप देख सकते हो, ये देखिए कितना मस्त बना है, कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ये पिज़्ज़ा। आप भी इसको घर पे बनाइए और सबको खिलाइए। आपको अगर ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुक विद श्रुतिका को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।